नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार एक बार फिर। प्यारे विद्यार्थियों, ईमैक्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन अम्बाला हरियाणा की तरफ से मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज बीएड पार्ट वन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा का एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट, और उसमें एक सिद्धांत दिया गया है दैट इज गिवन बाय कोलबर्ग। कोलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने नैतिक विकास पर काम किया, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार नैतिक मूल्य सीखे जाते हैं, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में नैतिक मूल्य किस प्रकार अर्जित किए जा सकते हैं, प्रारंभ में बालक कैसे मूल्य सीखता है, जैसे जैसे उसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती है, नैतिक मूल्यों का अर्थ क्या होता है और किस प्रकार से वो नैतिक मूल्य सीखता है, ये आज का अध्ययन का विषय रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है कि नैतिकता क्या है, व्हाट इज मोरलिटी। प्रत्येक बच्चा इस बात को सोचता है कि नैतिकता क्या है, या हम प्रश्न करें कि नैतिकता के अंतर्गत क्या आते हैं। इसमें हम एक बात लेके चलते हैं कि जब क्या ठीक है, क्या गलत है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसकी समझ होना ही नैतिकता है। परंतु अब प्रश्न ये उठता है, ठीक गलत का निर्णय कैसे लें, इसके बारे में तर्क कैसे करें कि ठीक क्या है और गलत क्या है। इस संदर्भ में कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए बालकों पर अनेक प्रयोग किए। अवस्थाओं के आधार पर कोलबर्ग ने एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग में एक बात निकल के आई कि ये दुविधा का विषय है कि जब हम किसी व्यक्ति को, किसी बालक को सिचुएशन देते हैं, परिस्थिति देते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार वह कैसे और क्या निर्णय ले पाता है, वो नैतिकता के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, नैतिकता व्यक्तिगत और सामाजिक दो तत्वों से बंधी हुई है कि एक व्यक्ति की परिस्थितियां कैसी है और वो किस परिस्थितियों में किस प्रकार के कार्य कर रहा है, दूसरी तरफ उसके द्वारा किया गया कार्य या कृत्य या कर्म सामाजिक दृष्टिकोण से या सामाजिक नियमों के अनुरूप है या नहीं है, यह भी नैतिकता का आधार जो है निर्धारित करता है। कोलबर्ग ने बहुत सारे बच्चों में प्रयोग किया। कोलबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट बताया, उन्होंने बताया कि व्यक्ति था हैजिन, जिसे हम हैजिन डिलीमा भी कहते हैं, हैजिन की दुविधा ये भी आता है इसमें, एक विवरण है कि एक व्यक्ति हैजिन था, तो हैजिन की पत्नी बीमार हो गई, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसकी इलाज के लिए उसने एक मेडिकल स्टोर पे गया, उसकी वाइफ को जो बीमारी थी, जो प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन केवल एक ही मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल था, उस मेडिकल स्टोर वाले ने वो मेडिसिन स्वयं बनाई हुई थी या उसकी डिस्कवरी इंडिविजुअल थी। अब जो हैजिन था वो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उस मेडिकल स्टोर वाले पे गया, उसने कहा कि मुझे मेडिसिन चाहिए, तो उस मेडिकल स्टोर वाले ने उसका प्राइस जो है हाई रखा हुआ था, क्योंकि वो मेडिसिन उसको बड़ी कॉस्टली अवेलेबल हुई थी या उसने उसको बनाने में काफ़ी खर्चा आया हुआ था, लेकिन हैजिन के पास उतना धन नहीं था, उतने पैसे नहीं थे। तो इस सिचुएशन में अब उसके सामने एक समस्या हो गई कि एक तरफ तो इथिक्स है, नियम है, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी। अब वो पैसे के अभाव में उसने जितना पैसा था उसको दिया, उसने बोला कि मुझे दवाई दे दो ताकि मैं अपनी पत्नी को बचा लूं,
लेकिन मेडिकल स्टोर वाला उसने बोला कि मैं इतने पैसे में दवाई नहीं दे सकता। अब उसके सामने दुविधा हो गई कि वो अपनी पत्नी को मरने दे, जो उसकी मॉरल ड्यूटी है, या फिर वो लड़ाई झगड़ा करके या किसी तरह से या चोरी करके उसकी दवाई मेडिसिन को चुराए। तो ये एक बच्चों के सामने प्रश्न रखा गया कि सिचुएशन में हैजिन क्या करे, जिसे हैजिन की डिलीमा कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए, या हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जहां पर एक तरफ हम कोड और कंडक्ट की बात करते हैं और एक तरफ मोरलिटी की बात करते हैं, एक तरफ इथिक्स की बात करते हैं और एक तरफ मोरलिटी की बात करते हैं। नैतिकता क्या है, ये प्रश्न, इसका उत्तर परिस्थितियों पे, सामाजिक दृष्टिकोण पे और व्यक्ति के स्वयं की क्रियाओं पे, सभी चीजों पे निर्भर करता है कि परिस्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है। तो बात आती है कि मोरलिटी क्या है। नैतिकता में दो बातें आती हैं, ठीक क्या है और गलत क्या है। जब इस चीज का निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है, उसे हम नैतिकता कहते हैं। अब ठीक और गलत ये भी दो बातों पर डिपेंड करता है, व्यक्ति का स्वयं का दृष्टिकोण क्या है और उस कार्य या कर्म या एक्शन के रिगार्डिंग सोसाइटी का क्या दृष्टिकोण है। तो जब नैतिकता की हम बात करते हैं तो नैतिकता में दो बातें आती हैं। नैतिकता यदि हम बात करें, नैतिकता तो नैतिकता में की बात हम करते हैं, सही क्या है और दूसरा गलत क्या है, ये दो बातें आती है। लेकिन सही और गलत का निर्णय भी दो बातों पे होता है, एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामाजिक। दो बातें होती है, व्यक्तिगत और सामाजिक, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ उसका कैसा दृष्टिकोण है किसी कार्य के प्रति, किसी क्रिया के प्रति, उसके उस कार्य को करने के पीछे क्या अनुभव है, कितना ज्ञान है, कितना एक्सपीरियंस है। दूसरा, वो कार्य उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, उसकी थिंकिंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है, एक बात। दूसरी बात सामाजिक, उसके द्वारा किया गया कार्य सामाजिक दृष्टिकोण से मान्य है या नहीं है। वो जो जिस काम को करने जा रहा है, क्या वो सामाजिक नियमों के अनुरूप है, सामाजिक दृष्टिकोण के अनुरूप है, तो इसे समाज के द्वारा नैतिकता। तो इस प्रकार यदि हम बात करें, नैतिकता क्या है, एक ऐसी धारणा जिसमें व्यक्ति सामाजिक नियमों के या व्यवहारों के अनुरूप अपने कार्य के सही और गलत होने के जो है विवरण तैयार करता है, या किसी कार्य के सही या गलत होना सामाजिक नियमों के जो है सामाजिक नियमों पर आधारित होता है। इस प्रकार नैतिकता एक ऐसी धारणा है जिसमें किसी कार्य या किसी विचार के सही या गलत होने के पीछे सामाजिक नियमों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि सामाजिक नियमों के अनुरूप कार्य होते हैं तो वो नैतिक होते हैं, यदि वो सामाजिक रूप से मान्य नहीं है तो इस प्रकार के कार्य या क्रियाओं को अनैतिक कहा जाएगा। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत सेटिस्फेक्शन तो कर सकती हैं लेकिन सामाजिक संतुष्टि नहीं होती, तो उस प्रकार के कार्यों को जो है अनैतिक कहा जाता है। एक समूह विशेष के दृष्टिकोण से सामाजिक नियमों के अनुरूप किया गया सही और गलत का निर्णय का जो व्यवहार है उसे नैतिकता कहते हैं। इसी प्रकार कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में बताया कि नैतिकता क्या है, नैतिक विकास का क्या अर्थ है, किसी विशेष परिस्थिति में ठीक या गलत का निर्णय लेने की योग्यता नैतिक है। इन पर्टिकुलर सिचुएशन जब आप रीजनिंग करते हो, लॉजिक लगाते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, और ठीक गलत का निर्णय कैसे करते हैं, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, नॉलेज के बेस पे, और दूसरा सोसाइटी के बेस से सोचते हैं कि क्या समाज इसको मान्यता दे रहा है नहीं दे रहा। एक सिचुएशन जब आपके सामने आती है, किसी विशेष परिस्थिति में ठीक या गलत निर्णय करने की योग्यता जब आपके पास आती है, वो नैतिकता है। ये वे नियम है जिनकी सहायता से व्यक्ति अपने तथा दूसरे के कार्यों को उचित व अनुचित होने का मूल्यांकन करते हैं, नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। नैतिकता का संबंध कानून नियमों से होता है, व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाओं धारणाओं से नैतिकता का कोई संबंध नहीं है।
मैंने पहले बताया कि नैतिकता जो है समाज के नियम और कानूनों से बंधी हुई है। नैतिकता व्यक्तिगत नहीं होती, नैतिकता का संबंध जो है कानूनों से है, नियमों से है। जब आप सामाजिक नियम और कानून के अनुरूप कार्य और व्यवहार करते हैं तब आपके पास नैतिकता आती है। इसका व्यक्तिगत भावनाओं से, निजी स्वार्थ से कोई संबंध नहीं है। दूसरी तरफ नैतिकता जो है वो सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। किस प्रकार की किसी समाज में कैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ही नैतिकता का संबंध निर्धारित होता है। जैसा समाज है उसी प्रकार के मूल्य, उसी प्रकार की संस्कृति अपेक्षा की जाती है। उस समाज के अनुरूप या उस संस्कृति के अनुरूप यदि आपका व्यवहार नहीं है तो आप जो है अनैतिक होते हैं। अब कुछ ऐसे समाज हैं जो हिंसा और अहिंसा के फैक्टर, वायलेंस नॉन वायलेंस के फैक्टर के आधार पर जो है वो नैतिकता का निर्णय करते हैं। अब देखिए कुछ समाजों में जैसे किसी की हत्या जानवर की अपने उपयोग में लेके आ रहे हैं तो उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं। कहीं पे विवाह की परंपराओं में परिवर्तन है, कहीं पे सांस्कृतिक परिवर्तन है। तो जिस प्रकार का समाज है यदि हम उस समाज के नियमों के अनुरूप चलेंगे तो हम नैतिक होंगे और उस समाज के नियमों के अनुरूप होंगे तो हम अनैतिक होंगे। तो इस प्रकार नैतिकता का संबंध कोड ऑफ कंडक्ट से है, नियमों से है। जब समाज के एक समूह के नियमों के अनुरूप हम अपना व्यवहार करते हैं तो उसे नैतिकता कहते हैं। तो नैतिकता का संबंध समाज और समाज के नियमों से है कि जब व्यक्ति एक परिस्थिति में क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय सामाजिक दृष्टिकोण से करता है तो वो नैतिकता कहलाती है, उसे हम नैतिकता कह सकते हैं। इसके बाद नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं। नैतिक विकास कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत का विकास करने के लिए कुछ नैतिक अवस्थाओं का वर्णन किया है। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत का विकास करने के लिए तीन लेवल्स यानी तीन चरणों की बात की और छह अवस्थाओं की बात की है। उन्होंने कहा है कि शिशु काल से लेके और किशोरावस्था तक बच्चा जो है तीन चरणों पर नैतिक मूल्य सीखता है और छह अवस्थाओं पर नैतिक मूल्य सीखता है। कोहलबर्ग के अनुसार जब बच्चा प्रारंभिक अवस्था में होता है वो ना नैतिक होता है ना अनैतिक होता है, क्योंकि नैतिकता का संबंध समाज से है और समाज के साथ जब बच्चा क्रिया अंतक्रिया करना सीख लेता है तभी से ही उसके अंदर नैतिकता का जो है प्रारंभ होता है। तो उन्होंने तीन चरण और छह अवस्थाओं का वर्णन प्रत्येक अवस्था क्रम के अनुसार किया है कि नैतिकता जो है वो हमारी आयु पर निर्भर करती है। अब हो सकता है कि एक बड़े व्यक्ति के लिए जो बच्चे काम कर रहे हैं वो अनैतिक हो सकता है, लेकिन यदि उसी बच्चे के उस समूह के अनुसार वो नैतिक भी हो सकता है। तो नैतिकता जो है वो एक एज के अनुसार, एक अवस्था के अनुसार जो है इसकी अवस्थाएं जो परिवर्तित हो सकती है। अभी सिद्धांत में बताया गया है कि बच्चा छोटी अवस्था में कैसे नैतिक मूल्य सीखता है, बड़ी अवस्था में कैसे सीखता है और धीरे 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 यूनिवर्सल प्रिंसिपल जिसे हम नियमों से मुक्त नैतिकता कहते हैं वो बच्चा कैसे सीखता है, इस बारे में चर्चा की है। अब इसमें उन्होंने एक चार्ट बनाया है जिसमें विभिन्न अवस्थाओं की बात की है। अब देखिए उन्होंने अपने सिद्धांत में तीन लेवल की बात की है। सबसे पहला लेवल जिसे हम कहते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था, या इसको हम एक बात और कहते हैं उसको हम कहते हैं ये इसके लेवल है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व परंपरागत या प्री ऑपरेशनल या प्री कन्वेंशनल स्टेज भी कह सकते हैं। इसे हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल का मतलब होता है पूर्व परंपरागत, मतलब परंपरा से पहले। परंपरा से पहले का अर्थ क्या है कि जब बच्चा अभी उसका जन्म हुआ है वो नैतिक और अनैतिक इस प्रकार के व्यवहार को नहीं जानता, तो सबसे पहले जो बच्चा होता है 0 से 2 वर्ष तक या बाल्य अर्ली प्रारंभिक बाल्यकाल का जो
अवस्था होता है। पहला चरण है पूर्व परंपरागत अवस्था, इसमें दो पहला लेवल है, लेवल वन है, और लेवल वन का जो है उसमें दो अवस्थाएं आती है। पहला अवस्था है आज्ञा पालक या आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुक्ता, इसे कहते हैं ओबे एंड ओबीडियंस एंड पुनिशमेंट, ओबीडियंस एंड पुनिशमेंट, ओबीडियंस ओबीडियंस एंड पुनिशमेंट, ओबीडियंस एंड पुनिशमेंट। कोलबर्ग ने कहा है कि पहली अवस्था में बच्चा दो तरह से नैतिक मूल्य सीखता है, या तो वो अपने एल्डर्स की आज्ञा का पालन स्वेच्छा से करता है या फिर दंड के भाव से करता है। वो कहता है कि जिन कार्यों के लिए भी बच्चे को सजा मिलती है, बच्चा सोचता है कि यदि मुझे इस काम के लिए सजा मिली है या मेरे इस काम के लिए रोकने के लिए मनाही की गई है, इस कार्य के लिए पुनिशमेंट है, तो वो कार्य अनैतिक है। और जिन कार्यों के लिए उसको आज्ञा का पालन वो करता है, उसकी प्रेज की जाती है, या जिन कार्यों का वो अनुपालन करता है, या एल्डर्स या पेरेंट्स या बड़े के द्वारा जिन जो कार्य उसको बताए जाते हैं और उनको आज्ञा मानकर उनका पालन वो कर लेता है, तो वो कार्य नैतिक है। तो प्रारंभिक जो अवस्था है वहां पर बच्चा नैतिक मूल्य कैसे सीखता है, या तो अनुपालना करता है, ऑर्डर जो उसको दिए गए हैं उनको एज इट इज मान लेता है, तो वो नैतिक माने जाते हैं, जिसको जिन बातों को मान लेता है, अभिभावकों की, पेरेंट्स की, एल्डर्स की। इसके अलावा जिन कार्यों के लिए उसको सजा दी जाती है, दंड दी जाती है, तो वो उसके लिए अनैतिक होते हैं, उन कार्यों को वो नहीं करता। तो पुरस्कार और दंड की जो भावना होती है, या आज्ञा पालन और दंड की जो भावना होती है, दोनों तरीकों से जो है नैतिक मूल्यों का प्रावधार्थ होता है। गलत कार्य जिनके लिए दंड दिया जाता है, पुनिशमेंट दी जाती है, तो वो अनैतिक होते हैं, और जिनका अनुपालना वो उसके लिए नैतिक हो सकते हैं। तो दोनों तरीके से जो है वो नैतिक मूल्य का प्रारंभ होता है। बच्चा भय से, डर से जिन कार्यों को नहीं करता, इसका मतलब वो समझ जाता है कि वो अनैतिक है, वो कार्य नहीं करने चाहिए पहली अवस्था में। जैसे जैसे बच्चा, ये ऐसी अवस्था है कि जब बच्चे को नैतिक मूल्य वो स्वयं नहीं सीखता बल्कि दूसरों पर निर्भर रहता है, नैतिकता का निर्णय परिणाम होता है। परिणाम मीन्स कि बच्चा दो तरीके से कि उस कार्य के लिए बच्चे को क्या मिलेगा, कि क्या वो आज्ञा पालन कर रहा है, या उसके उस कार्य के लिए उसको दंड मिलेगा। यहाँ पर जो मोरालिटी है उसका बेस होता है उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका परिणाम क्या है, उसके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम क्या है। यदि तो उसके द्वारा किए गए कार्य का वो अनुपालना मान के करता है तो वो नैतिक है, यदि उसको द्वारा किए गए कार्य का परिणाम जो है वो दंड मिलता है, उसको सजा दी जाती है, तो वो अनैतिकता होती है। इसके बाद ये जो कार्य है ये अन्य के द्वारा उसके लिए किया जाता है, मतलब यहां भी हम कह सकते हैं कि अन्य का प्रभाव या नैतिक मूल्य दूसरों के द्वारा। इस अवस्था में व्यक्ति, बच्चा जो है वो स्वयं के बारे में सोच विकसित नहीं कर सकता, उसके अंदर नैतिकता का जो प्रारंभ है वो उसके अभिभावकों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा या समाज के सदस्यों के द्वारा विकसित किया जाता है प्रारंभिक अवस्था में। परिवार उसकी पहली एजेंसी है, परिवार से ही दोनों प्रकार की क्रियाओं के द्वारा वो नैतिक मूल्य सीखता है। दूसरी है सहज सुखवाद सहायक अवस्था, यह नैतिकता का निर्णय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर उन्मुख, जैसे को तैसा, नैतिकता का निर्णय दूसरों की स्वीकृति। अब यहां पर एक बात है, दूसरी अवस्था में सहज सुखवाद सहायता इसको कहते हैं। अब इस अवस्था में क्या है कि बच्चा दूसरे स्टेज पे आता है, अब वो किसी डर से या पुनिशमेंट की बात नहीं करता। अब बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है, वो स्वयं से बात करता है कि जैसे को तैसा, जैसा मेरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, कि जो चीज में यदि कोई मेरे काम करने के लिए कहा जाएगा, किसी कार्य के लिए कहा जाएगा, तो बच्चा उसी प्रकार से उसके सामने डिमांड रखता है कि मैं ये काम कर दूंगा लेकिन मुझे इसके लिए क्या चीज दी जाएगी। तो यहां पर बच्चा जो है ईगो सेंट्रिक होता है, नैतिकता का निर्णय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर उसका, कि ऐसे कौन से कार्य है जो उसके लिए बेनिफिट होंगे, जो कार्य उसके लिए लाभदायक होंगे, उसकी पूर्ति करेंगे, उसकी इच्छा पूर्ति को पूर्ण करेंगे, वो उसके लिए नैतिक होंगे, और जिन कार्यों से उसका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा वो कार्य उसके लिए अनैतिक होंगे। तो इस अवस्था में बच्चा जो है अपने बेनिफिट के लिए कार्य करता है, जैसे को तैसा,
कि जैसे बच्चे को बोला गया कि आप ये दुकान से ही काम करके आइए, बच्चा कहता है कि इसमें से मुझे क्या मिलेगा, या मैं ये करके जाता हूँ, कंडीशन रख देता है कि मैंने जो है इतने घंटे टीवी देखना है, तो वो उसके लिए शर्त रखी जाएगी, मैं ये काम तब करूंगा जब मुझे टीवी देखने की जो है इजाजत मिलेगी या परमिशन मिलेगी या कुछ आप उससे काम करा रहे हो, तो वो कहता है इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जैसे को तैसा, पहले लेवल पे, दूसरी अवस्था है सहज सुखवाद एवं सहायता, नैतिकता का निर्णय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, दूसरा लेवल है इसका जिसे कहते हैं परंपरागत या कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत चरण या परंपरागत अवस्था। इस अवस्था में ये जो है तीसरे लेवल की अवस्था होती है, इसमें जो है एक बात आती है जिसे हम अवस्था का नाम देते हैं लड़का या लड़की, या अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, यहां पर बात होती है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, गुड बॉय एंड गर्ल, गुड बॉय एंड गर्ल, अच्छा लड़का या लड़की। कहने का अभिप्राय यह है इस अवस्था में बच्चे जो है नैतिक मूल्य इस आधार पर सीखते हैं कि समाज के दूसरे व्यक्ति उनके द्वारा किए गए कार्यों की कितनी प्रोत्साहन दे रहे हैं, उस कार्य के लिए क्या रिवार्ड दिया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति उसको किस प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं, उसकी इमेज किस प्रकार से दूसरे व्यक्तियों के सामने बनी हुई है। यदि वो बच्चे ऐसे कार्य करते हैं जिसके लिए उनकी प्रेज मिलती है, अब ये बात दूसरी हो सकती है कि चाहे उस कार्य को करने से उनको पेन भी हो रहा है या उनका माइंड भी नहीं कह रहा, उनको वो बॉडी भी नहीं कह रही वो काम करने के लिए, उनकी शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप भी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वो उस काम को करते हैं और उस काम को करने के लिए समाज के अन्य सदस्य जो है उसको प्रेज करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो इस प्रकार जिन कार्यों की स्वीकृति समाज के दूसरे व्यक्ति उसको देते हैं तो वो उसको अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मानते हैं, उनकी प्रेज करते हैं और उनके द्वारा वही किए गए कार्य जो है वो नैतिक होते हैं। नैतिकता का निर्णय दूसरों की स्वीकृति या प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। इस अवस्था में जिस प्रकार का समाज का दृष्टिकोण उनके कार्यों के प्रति है उस पर उसकी नैतिकता निर्भर करती है। बच्चा या व्यक्ति स्वयं जिन कार्यों को कर रहा है वो अपने निजी या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करता, बल्कि दूसरों के द्वारा बताए गए कार्यों को करता है ताकि लोग उसकी प्रेज करें और उसका मान सम्मान करें। तो जिस प्रकार के वो क्रिया करता है उसके आधार पर उसको अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की श्रृंखला दी जा सकती है, उसकी प्रेज कर सकते हैं, और जिन कार्यों के लिए उसकी प्रेज की जाती है वो कार्य नैतिक होते हैं गोलबर्ग के अनुसार। इसी में ही है चौथी अवस्था। इसकी चौथी अवस्था क्या है, प्राधिकारी एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापना। प्राधिकारी मतलब होता है अथॉरिटी, अथॉरिटी प्राधिकारी एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापना नैतिक उन्मुखता, मतलब अथॉरिटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट की यहां बात करते हैं कि प्राधिकारी, जब आप जो है सामाजिक नियमों के आधार पर नैतिक कानून सीखते हैं या नैतिकता आपके व्यवहार में आती है कि समाज के अन्य सदस्य क्या कहेंगे कि मेरे द्वारा किया गया कार्य समाज के कितने लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, या आप कानून के डर से नैतिक मूल्य सीखते हैं, तो इस आधार पर जो नैतिक मूल्य सीखे जाते हैं, नैतिकता जो है सामाजिक सोशल नियमों के अनुरूप होती है या सोशल कानून के जो है निर्भर करती है। आप जो है कानून के भय से या समाज के दबाव से या सोशल कंडक्ट के द्वारा जो है नैतिकता सीखते हैं, मोरालिटी सीखते हैं। आपको पता है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य यदि सामाजिक नियमों के अनुरूप नहीं है, जो आशा सोसाइटी कर रही है मेरे द्वारा किए गए कार्यों की, या समाज का जो दृष्टिकोण मेरे कार्यों के प्रति है यदि वो सकारात्मक है और स्वीकृत रूप है समाज से, तो वो कार्य नैतिक होंगे। तो यहाँ पर समाज का दबाव और कानून दोनों प्रकार की क्रियाओं के द्वारा जो है नैतिक मूल्य सीखता है। यदि कोई व्यक्ति अनैतिक होता है तो उसके ऊपर सामाजिक प्रेशर और इसके साथ साथ कानून का डर, दोनों प्रकार की क्रियाओं के द्वारा जो है नैतिक मूल्य सीखे जाते हैं।
लेवल थ्री अभी तक इन दो चरणों पे जो हमने पहले किए उन दोनों चरणों पे जो है अधिक प्रभाव समाज का था, मतलब अन्य व्यक्ति जो है नैतिक मूल्य सिखाने में हेल्प करते हैं, और तीसरे चरण व्यक्ति स्वयं जो है नैतिक मूल्य सीखते हैं। यहाँ पर पहली है सामाजिक समझौते सोशल कॉन्ट्रैक्ट एवं कानून आधारित नैतिकता, मतलब आप जो है मानवीय गुणों के मूल्यों के रूप में कानून पर आधारित ऐसी नैतिकता, जब आप जो है सोशल जो नियम है या प्रजातांत्रिक जो नियम है या डेमोक्रेटिक जो रूल्स हैं, जैसे प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक रूल आप मानते हैं मानवीयता के लिए क्या अच्छा है, आप जो है जब ये नियम बनाते हैं कि मेरे द्वारा किए गए कार्य से पब्लिक का कितना भला होगा, भी मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे द्वारा किए गए कार्य से कितने लोगों को हानि होगी तो वो कार्य अनैतिक होगा, और मेरे द्वारा किए गए कार्य से कितने लोगों का भला होगा, कितनी पब्लिक की जो है फायदा होगा, वेलफेयर होगी, और कितने लोगों का जो है अच्छा भविष्य हो सकता है मेरे द्वारा किए गए कार्यों के, तो वो कार्य नैतिक होते हैं। इस लेवल पे नैतिकता का आधार जो है डेमोक्रेटिक और वैल्यूज प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होता है। यहाँ पर आप जो है समाज को एक परिवार के रूप में देखते हैं, यहाँ पर स्वार्थता नहीं होती, ये मूल्य जो है आपके अंदर ऑटोमेटिक वे से जो है आते हैं, आप जो है स्वयं स्वार्थों को छोड़ के पूरे समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, पूरे सामाजिक दृष्टिकोण से सोचते हैं कि समाज के लिए मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या योगदान दे सकता है। तो इस प्रकार जब आप इस प्रकार की सोच समझ से प्रजातांत्रिक मूल्य से मानवीय मूल्यों के रूप में जो है कार्य करते हैं, तो वो कार्य जो एक ग्रुप के लिए एक समाज के सभी सदस्यों के लिए हेल्पफुल होते हैं वो नैतिक होते हैं, और वो कार्य जो आपके निजी स्वार्थ के लिए थे वो अनैतिक मानते हैं। तो यहाँ पर आपकी सामाजिक सोच विकसित हो जाती है कि जब आप एक समूह के लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए मानवीयता के लिए अधिकारों के लिए प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण के लिए आप जो है नैतिक मूल्य सीखते हैं। उसके बाद है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यूनिवर्सल प्रिंसिपल। कई बार आप क्या होता है कि इस प्रकार के नियम आप बना लेते हैं जो स्वयं निर्मित आपके प्रिंसिपल है, जब आप हाई लेवल थिंकिंग पे चला जाता है जहां पर ना समाज का कोई व्यक्ति है ना कोई आपके ऊपर प्रभाव डालता है, लेकिन आपकी चिंतन शक्ति जो है बहुत अधिक विकसित हो जाती है, आप स्वयं के बारे में ना सोच के पूरे समाज के बारे में आप जीवन के प्रति कुछ सिद्धांत बना लेते हैं कि पब्लिक वेलफेयर का जो है वर्क होना चाहिए, या अपने जीवन की आधारशिला बना लेते हैं कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं करना, आत्मा प्रभावता या स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ जाते हैं, आप कहते हैं कि मेरे द्वारा किए गए कार्य से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, अपनी लाइफ के जब कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बना लेते हैं जिनके बेस पे आप नैतिकता सीखते हैं। तो ये फिर से है पूर्व परंपरा का चरण क्या है, यह नैतिकता का वह चरण है जहां पर बालक दूसरों का प्रभाव डर भय से नैतिक मूल्य सीखते हैं। मैंने पहले बता दिया आपको इस लेवल पे बच्चे जो है पहले लेवल पे पहले चरण पे क्या है, नैतिकता का वह चरण है जहां पर बालक दूसरों के प्रभाव से यानी अपने भावकों के एल्डर के डर से या भय से नैतिक मूल्य सीखते हैं। इसमें दो अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था है आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुक्तता, कि इस अवस्था में बालक अपने माता पिता को आज्ञा पालन करने या दंड प्राप्ति की भावना से नैतिक मूल्य सीखते हैं, उनके अनुसार जिन कार्यों के लिए दंड दिया जाएगा वह अनैतिक तथा जो कार्य आज्ञा पालना के तहत होंगे वो नैतिक होंगे। इस प्रकार नैतिक व्यवहार आज्ञा पालना दंड, तो जो मॉरल बिहेवियर है वो दो चीजों पर आपका डिपेंड करेगा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद सहज सुखवाद सहायक उन्मुखता, इस अवस्था में नैतिक नियम स्वयं की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करते हैं कि ऐसे कार्य जिनके द्वारा मुझे फायदा होगा। यहाँ पर बालक जो है जैसे को तैसा एक बात करता है कि जैसे को तैसा, ये प्रिंसिपल कि जैसा मुझसे चाहते हो वैसा मेरे लिए करिए, या जो आप कराना मुझसे चाहते हो मेरे लिए भी कुछ करना पड़ेगा, कंडीशन होती है। इस सिद्धांत पर जो बच्चे नैतिकता सीख जाते हैं बालक के लिए वैसा ही करते हैं जैसा वो आपको उसी प्रकार की नौकरियां देते हैं जैसा आप उसके लिए करते हैं। यहाँ पर बालक स्वार्थी होता है, जो उसके लिए लाभदायक होगा वह नैतिकता है और जो उसके लिए लाभदायक नहीं होगा उसको वो अनैतिक मानता है। उसके बाद है दूसरा चरण परंपरागत चरण, यह नैतिकता का चरण है जहां पर बच्चा दूसरों के व्यवहारों से प्रभावित होकर नैतिक मूल्य सीखता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि दूसरे व्यक्ति उसके व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं, वो स्वयं अपने व्यवहार का मूल्यांकन नहीं करता,
अपने कार्यों का स्वयं मूल्यांकन नहीं करता, दूसरे व्यक्ति उसके व्यवहार को जांचते हैं। यदि दूसरे व्यक्तियों के द्वारा उसके व्यवहार की प्रेज की जाए तो वो नैतिक है, यदि दूसरों के द्वारा उसकी अवहेलना की जाए तो वो अनैतिक है। अच्छा बालक नैतिकता गुड बॉय गुड गर्ल की स्टेज में बता चुका हूं। इस अवस्था के बालक नैतिकता दूसरों के द्वारा व्यवहार की स्वीकृति पर निर्भर करता है। यदि दूसरे व्यक्ति बालक को अच्छा कहते हैं तो वह दूसरों के साथ अच्छा संबंध बनाता है, वह दूसरों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होकर नैतिक मूल्य सीखता है। जो कार्यों को अच्छा कहेंगे वे नैतिक है, और जो अच्छे नहीं कहेंगे लोग उसके कार्यों को तो वो उसके अनुसार अनैतिक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंधन की जो स्टेज है, जो व्यक्ति सामाजिक नियमों व कानूनों से नैतिक नियम सीखता है, सोशल जो रूल एंड रेगुलेशंस है, व्यक्ति सामाजिक नियमों को स्वीकार करता है। सामाजिक नियम क्या है कि वहाँ की संस्कृति, पहनावा, वेशभूषा और इसके अलावा उनके वहाँ की समय सारणी, लोगों का कार्य स्थल क्या है, किस प्रकार की परिस्थिति है। व्यक्ति सामाजिक नियमों को स्वीकार करता है, वह मानता है कि व्यक्ति सामाजिक नियमों की पालना करने से दूसरों की निंदा से बच सकता है। यहाँ पर वो चाहता है कि उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर क्या होता है कि वो लोगों को समझ के लोगों के रूल के अनुसार जो है कार्य करता है। कई बार एक लड़की जो घर से बाहर काम करती है, यदि वो लड़की लेट आती है तो सामाजिक दृष्टिकोण से उसको अनैतिक माना जाता है कि इतने लेट कहाँ से आई है। तो यहाँ पर यदि व्यक्ति या वो लड़की जो है वो सामाजिक दृष्टिकोण से समय पर आती है तो यदि वो लेट आती है उसको अनैतिक माना जाएगा, क्योंकि ये सामाजिक प्रेशर है, समाज दबाव है, समाज के लोग उसको स्वीकृत नहीं कर रहे, या उस संस्कृति में ये जो है जहाँ वो लड़की रह रही है वो संस्कृति उसको इस चीज की परमिशन नहीं देती, वो समाज, तो इसलिए वो अनैतिक है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है दूसरों की निंदा से बचने के लिए मॉरल वैल्यूज जो है उनको अडॉप्ट करता है कि कहीं दूसरे उसकी आलोचना ना कर ले, उसे समाज से बाहर ना किया जाए, उसकी इंसल्ट ना हो जाए। इस प्रकार वो कार्य करते हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण कोड ऑफ कंडक्ट से सही होते हैं। व्यक्ति बिना तर्क वितर्क के सामाजिक कानूनों को भावना नैतिक मूल्य सिखाती है। कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए वो सामाजिक कानून सही है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके अगेंस्ट नहीं बोलता ताकि उसकी निंदा न हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, वो किसी प्रकार से भंग न हो। तो इस सामाजिक निंदा से बचने के लिए वो किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करता और सामाजिक नियमों का अनुरूप व्यवहार करता है, चाहे वो उसके लिए स्वयं के लिए कष्टकारी हो, उसके स्वयं के बेनिफिट के लिए न हो, लेकिन सबसे पहले बात देखी जाती है कि उसके द्वारा किया गया कार्य सामाजिक दृष्टिकोण से किस प्रकार उपयोगी है तो वो उसके लिए नैतिक होगा। पूर्व परंपरागत चरण, इस चरण पर व्यक्ति स्वयं के नियम मानवता के लिए कार्य करता है। अब इसमें व्यक्तिगत अधिकार एवं प्रजातांत्रिक कानून नैतिकता, यहां पर व्यक्ति जो है वो स्वयं के अधिकार और दूसरों के अधिकार और कर्तव्यों की बात करता है। इस अवस्था व्यक्ति विभिन्न मानवीय मूल्यों व कार्यों को करके नैतिक नियम सीखता है। इस चरण पर बालक स्वयं दूसरों के लिए सामाजिक कानूनों को मानता है। उसके बाद है सार्वभौमिक नैतिक नियम यूनिवर्सल, यह नैतिकता उच्च स्तर होता है। व्यक्ति सामाजिक नियमों को जो है आत्मसात करता है, मतलब अपने बिहेवियर में उन चीजों को इंप्लीमेंट करता है। अभी तक जो मॉरल वैल्यूज थी वो दूसरों के द्वारा बताई गई थी, उसको स्वयं नहीं सीखता बच्चा, लेकिन सबसे लास्ट जो स्टेज है उसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल आती है। ये बहुत कम लेवल ऑफ मोरलिटी देखने को मिलता है। यहाँ पर जो चीज हम कहना चाह रहे हैं, जिन कार्यों को मतलब उनको स्वयं आत्मसात करते हैं, किसी के द्वारा बताए गए जो कार्य है या जो नियम है उनको स्वयं के व्यवहार पर जो है अप्लाई करते हैं। व्यक्ति सामाजिक नियमों का आत्मसात करता है, उनको ग्रहण करता है, दूसरों का सम्मान करता है। इस अवस्था के बालक निर्णय, न्याय, संवेदनशीलता, सहानुभूति के तत्वों पर जो है व्यवहार में लेकर आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने कोलबर्ग के सिद्धांत में यह सीखा कि नैतिक मूल्य किस प्रकार से अर्जित किए जाते हैं, नैतिकता क्या है ये मैंने बता दिया। अब नैतिक मूल्य सीखने के जो है विभिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली जो अवस्था है प्री कन्वेंशनल स्टेज, उसके बाद कन्वेंशनल, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत, फिर पूर्वोत्तर परंपरागत, इन तीन स्टेजों की बात हुई है, लेवल्स की बात हुई है। उसमें दो दो स्टेजेस है। पहली जो स्टेज है उसका जो है पूर्व परंपरागत में बच्चा जो है नैतिक अनैतिक का निर्णय जो है दूसरे व्यक्ति उसके बारे में बताते हैं,
पहला है आज्ञा पालना दंडोन्मुक्ता, कि ऐसे कार्य जिनको वो आज्ञा पालन के अनुसार करता है वो नैतिक है, और जिन कार्यों के लिए उसको दंड दिया जाता है वो नैतिक है। पहली अवस्था में बच्चा यहां से समझता है कि उसके लिए नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है। दूसरे स्टेज में बच्चा जो है ऐसे कार्य जो उसके लिए बेनिफिट का काम करते हैं या ऐसे कार्य जिससे जो है उसको इस प्रकार के कार्य जिससे जो है उसको अपने फायदे की चीज होती है, या जैसे को तैसा जो कार्य उसको सुख प्रदान करते हैं, जिन कार्य से उसका निजी बेनिफिट होता है, मतलब ऐसे कार्य जो जैसे को तैसा उसके लिए कंडीशनल जो वर्क होते हैं वो वहां से नैतिक मूल्य सीखते हैं। जो उसका सुखवाद की और इगोसेंट्रिक कार्य है वो नैतिक है, या जो उसके फायदे की चीजें नहीं है वो उसको जो है वो अनैतिक मानता है। उसको नैतिक अनैतिकता का संदर्भ अपनी सोच से नहीं करता, वो केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बच्चा सोचता है कि जिन काम से मेरा बेनिफिट है मेरे लिए क्या सहायक है वो नैतिक है, और जो उसको फायदा नहीं देता चाहे वो फ्यूचर के लिए उसके लिए ठीक है, या आप किसी बच्चे को कहोगे टीवी मत देखो आपके लिए बेनिफिट नहीं है, या आप ये काम करो ये ठीक नहीं है, लेकिन बच्चा जो है तुरंत अपना फायदा देखेगा कि अभी रिसेंटली मुझे क्या मिल रहा है, मैं अच्छे बुरे के बारे में नहीं जानता। तो बच्चा जैसे को तैसा टिट फॉर टैट की धारणा पर जो है नैतिक मूल्य सीखता है। उसके बाद आते हैं कन्वेंशनल मोरलिटी या परंपरागत अवस्था, जहां पर दो अवस्थाएं हैं। पहले लेवल पे जो है एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की इस धारणा के तहत मूल्य सीखते हैं कि मतलब समाज के द्वारा सोशल एक्सेप्टेंस स्टेज इसे कहते हैं, समाज जो है अपने आपके कार्यों को कितनी स्वीकृति दे रहा है, आपके कार्यों को कितनी प्रेज कर रहा है, कितने गुणगान आपके कार्यों के कर रहा है। जब समाज के द्वारा आपके कार्यों की प्रेज की जाती है, आपको रिवार्ड दिया जाता है, आपको पुरस्कार दिया जाता है, तो वो कार्य आपके लिए नैतिक कार्य होते हैं, और जो कार्य सामाजिक दृष्टिकोण से स्वीकृत नहीं होते इस प्रकार के कार्यों को जो है अनैतिक माना जाता है इस अवस्था में। उसके बाद आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि ऐसे कार्य जिनको आप जो है समाज के दबाव से या कानून के डर से सीखते हैं, तो वो कार्य जो सामाजिक दृष्टिकोण से सही है, कानूनी रूप से सही है, लॉ के अनुसार सही है, संविधान के अनुसार सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिनको आप सही मानते हैं वो नैतिक है। और ऐसे कार्य जिसमें समाज आपकी निंदा करता है, या आप जिसमें जो है अपने निजी बेनिफिट के लिए समाज की अवहेलना करते हैं वो अनैतिक होते हैं। और लास्ट दो स्टेज है जिसमें आप जो है दो अवस्थाओं में नैतिक मूल्य सीखते हैं। एक स्टेज आपकी होती है, इस स्टेज में जो है आप जो है पूर्वोत्तर परंपरागत अवस्था, इसमें आप सामाजिक समझौते और कानून निर्धारिता की, जहां पर आपकी जो है मोरलिटी या थिंकिंग इतनी विकसित हो सकती है कि आप जो है निजी स्वार्थ से हटके पूरे समाज के बारे में, पूरी सोसाइटी के बारे में जो है सोचते हैं, पब्लिक भलाई सोशल वेलफेयर की आप बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, ऐसे कार्य है जो पब्लिक डोमेन के और पब्लिक वेलफेयर के होते हैं वो नैतिक मूल्य है। और ऐसे कार्य जो आपके लिए निजी है या जिनसे कुछ व्यक्तियों का लाभ होगा और ज्यादा व्यक्तियों को उससे नुकसान होगा तो वो अनैतिक कार्य है। लास्ट है यूनिवर्सल प्रिंसिपल की स्टेज होती है, सार्वभौमिक नियमों की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति उच्च चिंतन की बात करता है, अध्यात्मवाद की बात करता है, स्पिरिचुअल अपनी लाइफ के जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, और वो सामाजिक नियमों को मानते हुए सेल्फ की जो थिंकिंग थ्योरी है उसको डेवलप करता है, आत्मसात करता है नियमों का, स्वयं एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि व्यक्ति मैच्योरिटी और परिपक्वता के ओर बढ़ता है, अनुभव ग्रहण करता है, तो जैसे जैसे वो जीवन में आगे बढ़ता है तो अपने जीवन के कुछ प्रिंसिपल बना लेता है कि चोरी करना, झूठ बोलना, पैसा इकट्ठा करना, लूटपाट करना, दूसरे का अधिकार छीनना, ये सब गलत है, इसकी सजा यही मिलेगी, मतलब उसकी पर्सनल थिंकिंग जो है बड़ी डेवलप हो जाती है। और यहाँ पर व्यक्ति मानता है कि ऐसे कार्य नैतिक है जो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए फायदेमंद हो, इस प्रकार की उसकी थिंकिंग हो जाती है, पब्लिक वेलफेयर की जब थिंकिंग हो जाती है, या वो अपने जीवन के कुछ सामान्य प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना लेता है जिनके आधार पर अपने जीवन यापन, जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से उचित हो और सभी लोगों के लिए फायदे का हो, इस प्रकार की क्रियाएं जो है वो नैतिक व्यवहार के अंतर्गत आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि यह सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।